हेलो, स्वागत है अनुपमा भोजनालय चैनल पर। आज की रेसिपी है अरवी के पत्ते की सब्जी। ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी स्वादिष्ट तरीके से बनकर तैयार है। आज की रेसिपी यही बनने वाली है। आगे देखें, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही साधारण तरीके से बिहारी स्टाइल में ये रेसिपी बनी है। अगर ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए इसके मसाले की तैयारी करते हैं। मसाले में मैंने 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं, 2-3 लाल मिर्च, 1 बड़े साइज का प्याज और 20-25 कली लहसुन और थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। पत्ते बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करते हैं। मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। बेसन में थोड़ा सा अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक लिया है और नमक के साथ 1 चम्मच मैंने हल्दी डाला है इसके अंदर। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था वो भी 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है ताकि इसके घोल में भी स्वाद आ जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से इसका घोल तैयार करेंगे, क्योंकि घोल में गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसे अच्छा गाढ़ा घोल हम तैयार करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से घोल होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा घोल है ताकि पत्तों पर अच्छी तरह से ये चिपक जाए। इसी तरह हमें घोल तैयार करना है। ये घोल बिल्कुल तैयार है। तो आइए अब पत्ते पर इस बेसन का लेप हम लगाते हैं। ये है अरवी के पत्ते। इसके नसों को अच्छी तरह से हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे ताकि इसे फोल्ड करने में अच्छा हो। ये है अरवी के देसी पत्ते। बड़े पत्ते नीचे या छोटे पत्ते ऊपर डालकर हम इसी तरह से 2 रोल मैंने पत्तों का तैयार कर लिया है, ये देखिए। और इसे छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में इसे कट करेंगे। इधर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा बेसन का घोल आप बचा के रखें। ये देखिए पीसेस में कट कर बेसन में इस टुकड़े को जो है पीस कटा है इसे अच्छी तरह से आगे पीछे लपेट कर इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने 5 पीस डाला है पहले बैच में। इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम हीट पर इसे एक तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, फिर इसे पलट देंगे। इसी तरह अलटते पलटते हुए इसे मीडियम हीट पर 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अच्छी तरीके से दोनों तरफ से हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरा पहला बैच रेडी हो गया है। देखिए दोनों तरफ से ये गोल्डन हो गए। इसी तरह सारे अरवी के पकौड़े हम रेडी करेंगे। ये देखिए कितने करारे तैयार हुए हैं। इसी तरह आपको फ्राई करने हैं। इसे हम तैयार कर लिए हैं। अब इसके मसाले की हम तैयारी करते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच लगभग 3 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 1 लाल मिर्च तोड़कर और जीरा और तेज़पत्ता तड़कने के लिए रख दिया है। जब जैसे बिल्कुल तड़क जाए इसमें 1 बड़े साइज का प्याज कट करके डालना है। इस प्याज को मीडियम हीट पर 2 मिनट के लिए गोल्डन भूरा होने तक इसे फ्राई करना है। इसे चला दें और 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल भूरा होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज भी बिल्कुल 2 मिनट के बाद चेक किया, ये बिल्कुल भूरा हो गया है। अब इसमें आगे की हम मसाले डालेंगे। इसमें अदरक लहसुन और मिर्च का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था और एक प्याज भी था, इसमें इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे। पेस्ट के साथ जीरा और धनिया पाउडर ये 2 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच मैंने भरकर नमक डाला है। नमक को डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इसे चलाएंगे और जार में थोड़ा मसाला लगा था उसमें पानी डालकर इसे में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से इसे हम मसाले में मिक्स करेंगे। और इस मसाले को अब लो टू मीडियम हीट पर इसे चलाते हुए से भूनेंगे। ये देखिए मसाले को मैंने 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर फ्राई किया है
अभी ये मसाले हाफ फ्राई में, इसे और भूनना है। इसे भूनते हुए अभी 2 मिनट के लिए और भूनेंगे इसे। जब तक उधर मसाले हमारे भून रहे हैं, तो हमने जो घोल थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था, ये लगभग 1 चम्मच के करीब घोल है, इसमें मैंने लगभग 2.5 ग्लास पानी डाल दिया है। इसी घोल को हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा बेसन डालने पे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी और टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ऐसे ट्राई करें। ये देखिए इधर मसाले भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जैसे ही मसाले इस तरीके से भुन जाए, तेल बिल्कुल अलग हो जाए, मसाले का रंग भी देखिए कितना अच्छा हो गया है। सिर्फ हमारा जो घोल हमने रेडी करके रखा था, उस घोल को हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए ग्रेवी के लिए हमने घोल डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इस घोल को हम उबलने के लिए रखेंगे। हीट को आप मीडियम पर रखें और थोड़ा पानी डाला है। ये देखिए 1 लोटा है, इसमें 2.5 ग्लास पानी लगभग आता है, इसी का मैंने यूज किया है। इधर जब तक ये उबल रहा है, इसमें थोड़ा सा खट्टा भी पड़ता है, इसमें खटाई के लिए मैं 2 आम का टुकड़ा इसे अच्छी तरह से मैश करके रखेंगे। इधर देखिए मीडियम हीट पर इसे उबाल आ गया है। जैसे ही इसमें उबाल आए, इसे मिक्स करेंगे। अब इसी स्टेज पर हम जो पकौड़ों को फ्राई करके रखा था अरबी के पत्तों का, उसे भी अब इसमें धीरे धीरे डालेंगे। एक एक करके इसमें सारे पकौड़ों को हम उबलते हुए ग्रेवी में डालेंगे। आप सूखे भी इसे खा सकते हैं, लेकिन इसे चावल में खाने के लिए हम इसे रस वाले बना रहे हैं। सूखे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने देखिए सारे इसमें डाल दिए हैं और इसे डालकर इसे मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। इसे मिक्स करके अब हमने जो आम का खटाई मैश करके रखा था, 2 आम वो भी इसी में डाल देंगे और इसे डालकर इसे भी इसमें मिक्स करेंगे। और मिक्स करके लो हीट पर, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, ताकि मसालों की खुशबू बिल्कुल अंदर तक चली जाए और इसका साइज़ भी डबल हो जाएगा बिल्कुल, और ये अच्छी तरीके से पत्ते भी पक जाएंगे। ऐसे ढक्कन लगाकर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। मैंने गैस को बंद कर दिया है। ये बिल्कुल हमारी सब्जी, अरबी के पत्ते की सब्जी बिल्कुल तैयार है। बिहार में इसे इसी तरह बनाया जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसे आप चावल के साथ खाएं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस तरह बनाएं। आप भी बताएं कमेंट में कैसा बना है। धन्यवाद।